राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बटाल सेक्टर में मंगलवार सुबह करीब 3 बजे आर्मी आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। सेना की ओर से बताया गया कि कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया। पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक पूंछ के कृष्ण घाटी बेल्ट से कुछ आतंकी बटाल में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेना के जवानों को आतंकियों के मूवमेंट की सूचना मिल गई थी। सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें रोका। हालांकि आतंकियों के घायल होने या मारे जाने की सूचना अभी नहीं मिली है। गोलीबारी में घायल हुए जवान को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू में यह 24 घंटे में दूसरा हमला है। इससे पहले सोमवार को करीब 3 बजे राजौरी के धोंदा में आतंकियों ने शौर्य चक्र विजेता पुरुषोत्तम कुमार के घर पर हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में आर्मी ने एक आतंकी को मार गिराया था। इस हमले में एक जवान और पुरुषोत्तम के चाचा घायल हुए थे। यहां आज दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।